Vinay ji, 48 minutes for your party, but there are 7 speakers. Keep that in mind. I'll confine to 10 minutes, sir. Sir, माननीय उपसभापति जी, एक ऐतिहासिक प्रस्ताव सदन के सम्मुख है, और अगर विगत कुछ महीनों में, विगत कुछ दिनों में जितने सारे बिल इस सदन के सामने चर्चा के लिए आए उन पर अगर हम निगाह डालें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार को एक बहुत पुराना जो एक बैकलॉग गवर्नेंस रिफॉर्म्स का तैयार हुआ है उसको क्लियर करने में अपनी सारी मेहनत और अपनी सारी ताकत खर्चा करना ये स्वाभाविक हो गया है। हमें पता है कि कल 2 दिन पहले हमने बैंक्रप्सी कोड के बारे में चर्चा की, जो चर्चा और जिसके बारे में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो देश लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, हुआ नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं चर्चा करूं तो 1985 के बाद इस देश में नई शिक्षा नीति आनी चाहिए थी मगर किसी ने काम ही किया नहीं। ट्रिपल तलाक का कल का बिल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसके बारे में निर्देश दिए मगर हमने आंखें मूंद ली तो वो भी एक बैकलॉग बन गया। और आज ये मोटर व्हीकल एक्ट है जो 1988 के बाद जिस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन इस कानून के तहत हम प्रस्तावित कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और ये जो क्लियरेंस ऑफ बैकलॉग का एक ऐतिहासिक दायित्व हमारी सरकार के ऊपर आया है उस दायित्व को निभाने के लिए ये बिल सदन के सामने आया है। महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी पद्धति का एक स्टेटस कोइज्म, एक यथास्थितिवाद जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, जो भी हित संबंध होंगे उनको धक्का लगाने की न किसी में हिम्मत थी, न किसी में इच्छा शक्ति थी, न किसी में ताकत थी। और ये सरकार है कि जिसने इस हित संबंधों को, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको उध्वस्त करते हुए जो जनता के हित की बात है उसको अंजाम देने के लिए इस तरीके का एक ऐतिहासिक कानून इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं सम्मानित मंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय, हम जानते हैं कि इस विभाग का दायित्व संभालने वाले श्री नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में जब परिवहन मंत्री थे तब उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट के विषय में एक क्रांतिकारक बदलाव लाया और फ्लाईओवर्स बने। मैं मानता हूं कि इस विषय में एक गहरी सोच होने के कारण इस पूरे कानून के प्रति पूरा व्यापक विचार करते हुए इस कानून के प्रावधानों को उन्होंने तैयार किया, और मैं उनको निश्चित रूप में बधाई दूंगा कि जो इसके लिए प्रवर समिति बनी थी, सिलेक्ट कमिटी बनी थी जिसका दायित्व मेरे ऊपर दिया गया था, तो कमिटी ने बहुत आग्रह से बुलाए बगैर सदस्यों के मन में कुछ अगर आशंकाएं होगी तो मैं उसका निराकरण करने के लिए उपस्थित होता हूं, ये उन्होंने सुओ मोटो कहा। और मैं मानता हूं कि संसदीय समितियों के इतिहास में शायद ये बहुत कम बार हुआ होगा कि मंत्री जी स्वयं समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुए ताकि किसी के मन में कोई संदेह न रहे, कोई गलत धारणा न रहे। तो इतनी क्लैरिटी लाने की कोशिशों के बावजूद भी आज अगर यहां पर जैसे मैं देख रहा हूं कि एक संदेह का वातावरण निर्माण करने की कोशिश हो रही है जो मैं मानता हूं कि किसी के भी हित की नहीं है। सर, मे आई ऑल्सो अट्रैक्ट योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट द सिनेरियो इन सो फार एज रोड सेफ्टी इज कंसर्न इज रियली वेरी फ्राइटनिंग, इट्स टेरिफाइंग इफ आई मे से सो। फॉर एग्जाम्पल, मेनी फिगर्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, आई नीड नॉट रिपीट देम, बट द नंबर ऑफ रोड क्रैश डेथ्स अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन हैव इंक्रीज By 31% from 2007 to 2017, 10 सालों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि जो हादसे हो रहे हैं वो 31% से बढ़े हैं। और जैसे कि यहां पर बताया गया कि इसमें किसकी जान जा रही है, हमें पता होना चाहिए कि देश का जो युवा है, नौजवान है, जो मनुष्य शक्ति के संदर्भ में एक ऐसे स्थान पर है आयु के हिसाब से, ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जो बिल्कुल मैं मानता हूं कि निरपराध है। और कई बार तो हमने देखा है, और स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल जो इस विषय में काम करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि हर दिन, और मैं सदन को पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि ये कानून क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर दिन हमारे देश में लगभग 29 बच्चों की एक दृष्टि से मृत्यु होती है हादसों के कारण। ये इस देश की भयावह स्थिति है जिस पर उपाय ढूंढने के लिए अब सरकार ने यह कानून लाया है।
और इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में विभिन्न वैश्विक संगठनों में ने भी अपना मत उजागर किया है और अपनी बात रखी है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस विषय में कहा था कि लगभग 10% भारत के द्वारा जो विश्व की ये संख्या होती है हादसों में मृत्यु होने की, उसको 10% से हम अधिक योगदान दे रहे हैं, उसमें बढ़ावा कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति है। हमारे जैसे एक विकसनशील देश को मैं मानता हूं कि ये किसी भी तरीके से शोभा देने वाला विषय नहीं है। मान्यवर, मैं बहुत विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मगर मैं मुख्य रूप में सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है और वो कितना गुणात्मक है। क्वालिटेटिव चेंजेस दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस थ्रू दिस बिल, आई बिलीव द हाउस नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज चेंजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड इन दिस बिल द हाउस शुड बी सपोर्टिंग दिस प्रपोजिशन। सर, वी आर अवेयर दैट बेटर ड्राइविंग ड्राइवर ट्रेनिंग सिस्टम इज द क्रक्स ऑफ द होल इश्यू। आज अगर हमारे यहाँ हादसे होते हैं तो जैसे कि मंत्री जी अभी बता रहे थे कि सबसे सस्ता हो गया है कि कहीं भी जाओ और लाइसेंस लेकर आओ। मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था पर बहुत अच्छे तरीके से एक नियंत्रण लाने की कोशिश इस पूरे बिल में की गई है और अभी ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं लोग, जुगाड़बाजी करते हैं, कई बार किराए से कुछ लोगों की मदद लेते हैं और इस पद्धति से जो आज चलता है, आओ जाओ घर तुम्हारा, मैं मानता हूं कि ये विषय अब नहीं रहेगा। इसी पद्धति से फॉर डिकेड सर, फाइन्स फॉर बिहेवियर्स दैट रिजल्ट इन फैटालिटीज एंड सीरियस इंजुरीज हैव रिमेंड मिनिमल, लार्जली अनरिवाइज एंड हैव कॉन्सिक्वेंटली फेल्ड टू डेटर वायलेटर्स। सर, दी वेरी पर्पज ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस इज टू हैव सम काइंड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डेटरेंस। अगर कोई ढाक शक्ति रही नहीं, कोई डरेगा ही नहीं, तो अपराध तो होते जाएंगे। और ये सरकार ये चाहती है कि कानून का राज इस पद्धति से स्थापित हो कि लोगों को एक डर लगे, एक भय लगे कि अगर मैं अपराध करूंगा तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। आई थिंक दिस एक्ट सर्व्स द वेरी पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग एन एलिमेंट ऑफ डेटरेंस इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर इन सो फार एज लिविंग फाइन्स आर कंसर्न टू दोज हु आर इंडल्जिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम्स। सर, this particular bill also provides for some stringent punishment to those who are not applying seat belts and not using helmets. सर, ये सारे महानगरों में एक भयंकर विषय बन जाता है कभी कभार और लोग इसके प्रति बड़े क्रोधित हो जाते हैं। जनजागरण करना पड़ेगा, कई लोग कर भी रहे हैं और मैं मानता हूं कि इसके लिए भी यहाँ पर मोटर व्हीकल बिल में जो प्रावधान किए हैं वो उस दृष्टि से जनता के अंदर इस विषय के प्रति गंभीरता से देखने का जो एक रुख बनना चाहिए उस दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। मान्यवर, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा और इस आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बिल यद्यपि बहुत उचित समय पर, मतलब देरी हो गई है, लगभग 5 साल डिले हुआ है, मगर आया है तो इसको तो पारित करना ही चाहिए। बावजूद इसके कुछ बुनियादी सुझाव, बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमारी समिति ने भी बड़े आग्रह से कुछ बातें रखी थी। जैसे मान्यवर, विदेश में हम जाते हैं, कई बार देखते हैं कि फुल्ली लोडेड व्हीकल्स जो होती है, अगर एक कार की कैपेसिटी 5 है और 5 व्यक्ति उसमें बैठे हैं तो उनको टोल में कुछ रियायत दी जाती है, क्योंकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। मैं मानता हूं कि इसको करने में हमारे लिए जो परिनियम बनेंगे इस कानून के अंदर, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनेगा, उसमें इसकी चिंता करनी चाहिए। जितने सारे हमारे रोड्स होते हैं, अभी राइट टर्न करना है तो केवल राइट साइड में राइट टर्न वालों को ही जाने देना चाहिए, जिसको लेफ्ट करना है उसको ही केवल लेफ्ट टर्न में जाने देना चाहिए और इसके लिए वहां पर आरेखित होता है, लाइनें डाली हुई होती है और केवल ओनली लिखा हुआ होता है। हम सब जाते हैं, विदेश में देखते हैं। अभी इतना छोटा सा सुधार हमारे देश में अभी भी हुआ नहीं है। मैं मानता हूं कि इसके बारे में निश्चित रूप में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और भी एक बात है कि जो कमर्शियल व्हीकल का यूसेज है, कई बार आपको वो पीले रंग का जो नंबर प्लेट है वही रखने से आप कमर्शियल यूसेज कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कभी कभार अगर प्राइवेट व्हीकल भी कमर्शियल, क्योंकि कार पुलिंग अभी पूरे महानगरों में एक व्यवस्था बन गई है और कई लोग अपने अपने व्हीकल निकाल के अकेले अकेले जाने के बजाय कार पुलिंग करते हैं, इसको अगर कानूनी सहारा देना है तो मैं मानता हूं कि इसके लिए भी एक प्रावधान हमारे कानून में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी बात आई है,
और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सरकार बढ़ावा दे रही है, इस कानून में भी उसका उल्लेख है, मगर इस संदर्भ में और भी आवश्यक जो भी परिवर्तन करना जरूरी है, मैं मानता हूं कि सरकार इसके बारे में सजग रहेगी। अंत में महोदय, ये जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को लेकर जितनी सारी समस्याएं हैं, वो केवल कोई हमारे देश से संबंधित नहीं है, पूरे विश्व में विश्व की आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। और हम सब जानते हैं, इस सदन में बैठे हुए कई मान्यवरों को पता है कि कोलंबिया में बोगोटा में एनरिक पेनलिसा जो वहां के मेयर थे, उन्होंने इस विषय में बहुत अच्छे प्रयास किए और लोगों को, मतलब उनका ये कहना था कि लोगों को व्हीकल में बैठकर ही गति मिलती है, ऐसा नहीं है, आप पैदल चले तो भी आपको चलने का रास्ता और आसान होना चाहिए। और इसलिए पेडेस्ट्रियन सेंट्रिक इस बिल में ये प्रावधान है कि जो पादचारी है, जो पैरों से चलना चाहते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो तो हमारा आम आदमी है और उसकी भी चिंता इस बिल में की गई है। मैं मानता हूं कि इस विषय में और भी कुछ करने की जरूरत है, जिसके कारण पेडेस्ट्रियंस जो है, पादचारी जो है, केवल व्हीकल में बैठने वालों के लिए ये कानून नहीं है, तो पादचारियों के लिए भी जो पैर से चलना चाहते हैं, पदपथ का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस कानून में प्रावधान है, इसको और तगड़ा किया जा सकता है। मान्यवर, महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और गांधी जी हर दिन 18 किलोमीटर चलने का की अपेक्षा करते थे और कई बार चलते भी थे अपने आयु के उस स्थिति में जब उनको चलना संभव था। तो मैं मानता हूं कि गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाते समय हमने पेडेस्ट्रियन को केंद्रीभूत रखते हुए इस कानून में और भी सुधार करना चाहिए। अच्छी बात है कि देश में वातावरण इसके लिए अनुकूल हो रहा है, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं राहगीरी का प्रचलन हुआ है और व्हीकल फ्री जोन्स की लोग बात कर रहे हैं। तो प्रदूषण की समस्या हो, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, भीड़ के कारण निर्माण होने वाली समस्या हो, इन सारी समस्याओं का निजात निकालने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत थी। ये कानून सही समय पर आया है। मैं सदन से उम्मीद करता हूं कि इतने बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, हमारी कमेटी की बैठकों में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, सारे अधिकारियों को हमने बुलाया, तमिलनाडु गए, केरल गए, कर्नाटक के लोगों को सुना, महाराष्ट्र के लोगों को सुना। मैं मानता हूं कि अभी इस पर बहुत विलंब न लगाते हुए और इस पर समय खर्चा न करते हुए हमने इस ऐतिहासिक कानून को अंजाम देना चाहिए। इसी अपील के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।